يا رسول الله وعلى آله وصحبه
का जिक्र जिक्र के साथ फरमाया, तीन चीजों को जिक्र ना फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र यानी कुरान पाक को नाज़िल फरमाया, यानी पहला जिक्र अल्लाह का पाक कुरान को शरीफ, दूसरा फरमाया अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को भी अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया, तीसरा फरमाया कद अंज़ल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला, हमने अपने हबीब के जिक्र को नाज़िल फरमाया तुम्हारी तरफ। यहां पर हाफिज भी बैठे हैं और आलिम भी बैठे हैं, गलत बोलूं तो अपना इनका फर्ज बनता है, मुझे इतनी सी भी जरा सी भी पशमानी नहीं होगी कि मेरी गलती को दुरुस्त इन्होंने किया है। अल्लाह कुरान पाक में जब नमाज का जिक्र फरमाता है, अल्लाह ने कहीं पूरे कुरान से ये नहीं कहा कि नमाज मेरा जिक्र है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर तुम पढ़ो, एक एक नहीं दो दो आपने तीन तीन आपने अल्लाह ने ये कोई नहीं किया कि नमाज मेरा जिक्र है पहले मैं पढ़ना तो फिर तुम पढ़ो, नहीं कुरान रसूल ने किया मेरा जिक्र है कि किसे नहीं लिखा होया पहले मैं पढ़ना फिर तुम पढ़ो, या नमाज पहले मैं पढ़ी फिर तुम पढ़ो, पूरे कुरान के विच किसी जगह ये अल्फाज नहीं है। सही अहदीस मुकम्मल को मैं बिल्कुल नहीं कहता लेकिन अक्सर अहदीस पर मेरी भी नजर है कि दोनों बातें अल्लाह ने हदीस में भी कोई नहीं की, पहले मैं पढ़ूंगा फिर तुम पढ़ना। जब तीसरी बात आई जिक्र रसूल की, फरमाया पहले मैं जिक्र करूंगा फिर तुम मेरे यार का जिक्र करो, पहले मैं जिक्र करूंगा फिर तुम जिक्र करो। किताब का नाम हसायसुल कुबरा शरीफ, बाबा जलालुद्दीन सय्यूती जिसको 75 मरतबा सोने नबी ने जाते हुए दीदार नसीब फरमाया है, वो लिखते हैं कि दुनिया अभी बनी नहीं, कायनात अभी बनी नहीं, 2 लाख साल पहले सोना रथ अपने हबीब की शान में सूरह ताहा और यासीन तिलावत कर रहा था। पंजाबी इसका सुन यार, तेरे चेहरे की कसम है, तेरे रुकड़े की कसम है, तेरी जुल्फों की कसम है, अभी दुनिया बनी कोई नहीं, जिक्र कौन कर रहा है, अल्लाह की जान। मालूम यह हुआ कि तेरे मेरे सोने नबी का जिक्र सबसे पहले अल्लाह ने किया है, उसके बाद बंदों को हुक्म दिया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अभी दुनिया बनी कोई नहीं, ये तो बाबा जलालुद्दीन सय्यूती थे, अल्लाह का पाक कुरान भी इस बात की तस्दीक करता है कि अभी दुनिया बनी नहीं। आलम अरवाह का आलम है जहां पर अभी सारी की सारी रूहें इकट्ठी हैं, अल्लाह की जात ने सारी पाक पाक रूहें अलहदा करके नबियों रसूलों की रूहों को अलहदा करके वहां पर वादा दिया जा रहा है, जिक्र किसका है उस वादे में, तेरे मेरे सोने नबी का।
मालूम ये हुआ कि दुनिया बनी कोई नहीं थी जबकि जिक्र मुस्तफा हो रहा था, रूहें पैदा नहीं हुई थी जबकि जिक्र मुस्तफा हो रहा था, अल्लाह ने आलम अरवा पैदा किया जबकि जिक्र मुस्तफा हो रहा था, अल्लाह ने दुनिया को बनाया जबकि जिक्र मुस्तफा हो रहा था, अल्लाह ने आज के दौर में भी जिक्र मुस्तफा अल्लाह की जात करवा रहा है, कयामत की दीवारें आ जाएंगी फिर भी जिक्र मुस्तफा होता रहेगा। यार दुनिया तो दुनिया मशर के अंदर भी अल्लाह सोना जिक्र मुस्तफा करवाता रहे। जब उन्होंने नया मकान लिया बुलाया अरे साहब आओ
राजपी साहब सियासी शख्सियत है, बड़ी मोहब्बत वाला बंदा है, उसने अपनी दुकान का इफ्तिताह किया तो मुझे हुक्म फरमाया आपने आना है, ठीक है, आप अपने घर का दुकान का इफ्तिताह जब करते हैं तो क्या करते हैं, अल्लामा साहब को बुला लें, पीर साहब को बुला लें, किसी बुजुर्ग शख्सियत को बुला लें, वो आके यहाँ पर दुआ कर दे, दुआ खैर कर दे, कुरान पढ़ा जाए, जिक्र हो जाए, ताकि हमारे घर में बरकत आ जाए। सोने करने वाले तेरे शान के कुर्बान करिए, जब रब सोने ने दुनिया का इफ्तिताह फरमाया अपने हबीब के जिक्र से दुनिया का इफ्तिताह फरमा रहा है। आदम की तौबा कैसे कबूल हुई, मेरे नबी का सदका, कायनात में नबी आए थे, वादा किसका लिया, मेरे नबी का। कल हशर में सारी दुनिया तड़प रही होगी, किसी दर से खैरात नहीं मिलेगी, खैरात मिलेगी तो दर मुस्तफा से खैरात मिलेगी। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा, यहो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब और महिब में नहीं मेरा तेरा।
बात हर चीज सबक की मोहताज है, सबक है, मुजीर है, उसका सबक है, लेकिन मेरा महबूब किसी शय का मोहताज नहीं। दुनिया हो जिक्र तब भी होगा, दुनिया ना हो जिक्र तब भी होता है। मैं अक्सर कहता हूं है शम्सो कमर ताबे फरमान मोहम्मद, इन दोनों में जिक्र नबी आबाद करेंगे। कुरान अंदर ठहरिए वो वक्त कमाले, हम चांद पे भी महफिल मीलाद करेंगे। सुभान अल्लाह। रोको सन, रोको सन, हम चांद पे भी दर्द लेंगे। जिक्र मुस्तफा नबल हुआ है, नबल होगा। कमरी वाले की अजमत और शान पर कुर्बान जाएं। अरबे काबा की कसम है, दिल से इश्क रसूल का मन का निकाल दे, तेरी कीमत तके की नहीं है। तेरा खानदान जितना मर्जी ऊंचा हो, तेरी नस्ल जितनी मर्जी ऊंची हो, तेरी कौम जितनी मर्जी ऊंची हो, वो सारी असफरुल सादरीन के अंदर है, वो सारी तहतरात के अंदर है, वो सारी जमीन के नीचे है। लेकिन अगर तेरी नस्ल भी कोई नहीं, तेरा रंग भी कोई नहीं, तेरा कौम भी कोई नहीं, तेरा कबीला भी कोई नहीं, सिर्फ तेरे पास निस्बत मुस्तफा है। रब कहता है काबा नीचे होगा, निस्बत वाले को ऊपर करे। निस्बत वाले को कायनात के आलम के अंदर हर एक को मिला, आधा आधा मिला, थोड़ा थोड़ा मिला। मेरे नबी को जो भी मिला अल्लाह ने दबा के अता फरमाया, मुकम्मल अता फरमाया, वाफिर अता फरमाया। मेरे कमरे वाले ने फल लगा कभी उसके ऊपर, दरख्त भी है,
सफेद भी है, चिट्टा भी है, सिवाय उजाले का कुछ भी नहीं। कभी तरबूज की मेल को देखा है? तरबूज की मेल को कोई ताकत नहीं, कोई जोर नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई लंबाई नहीं, कमजोर दी गई, खस्ता दी गई। इतना इतना नाम सुना तरबूज का, इतना इतना बड़ा तरबूज, वो आकड़ के खड़ा है, रब ने उसको फल से मालूम कर दिया। वो जमीन पर लेती हुई है, अल्लाह ने उसको अपने फल से सरसार करवा दिया। दुनिया दुनिया ये कायनात तुम्हें बता रही है, जो जितना आजजी करेगा वो उतना फल उठाएगा। आशिकों का इमाम हजरत इमाम और आशिका इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में सलाम और तलबूस तय करने के बाद मैंने पूछा, बाबा जामी ये तो बता, इतनी इनायत, इतनी करम नवाजियां, इतनी मेहरबानियां तेरे ऊपर, आशिकों का इमाम बन गया, कमली वाला को तेरा नाम ले, ये कैसे हो गया? तो जामी ने दो लाइनों में जवाब, जामी कहते हैं सकत सुभान अल्लाह।
आसान इंसान का, क्योंकि आसान का अकीदा वही अकीदा है जो आज सुनियों का अकीदा है। बादशाह मिन कलम तरकत तुआइनी वाजवानों मिन कलम तरिदिन निसाओ खुलिता मुबर्रहम मिन कुल्ले आइबिन कहन्नक कद खुलिता कमा शामिल है और सब
सबसे बड़ी बात हमारे अनार कली के चर्च का सरकारी पादरी भी मैंने मुसलमान किया सरकारी पादरी को मुसलमान किया। मेरी इतनी सी कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने आप को बड़ा खास समझता हूँ कि मैंने काफिरों को मुसलमान किया। वो शेर तो वो लोग थे जिन्होंने निगाहें फिराए डाल कर 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। शेर तो ये ज़ियारत है जिन्होंने इस रकाब पर इस खिते जमीन पर कलम रख के निगाहें फिराए से इस पूरे खिते को मुसलमान कर दिया है। शेर तो वो लोग थे हम तो उनके जूतों में बैठने के काबिल भी नहीं है। हजरत साहब की बारगाह में जाकर अर्ज किया मैंने हुजूर सही नहीं बल्कि बड़े हुए शानों वाले भी हैं अजमत वाले भी हैं लेकिन दुनिया विलायत के अंदर शान अजमत हमें आपकी नजर आती है वो कहीं और किसी की नजर नहीं आती। तेरे दर पे आज काफिर भी पड़ा है तेरे दर पे हिंदू भी पड़ा है सिख भी पड़ा है। जहां पर एक नहीं 1100 देगू की एक देव होती है। ये शाने विलायत ये शाने अकबर मेरे हलाके को देखा हुआ है वो मंदिर मेरे कुछ साथियों ने देखा हुआ है वो मंदिर गरीबन नमाज का डेरा उस डेरे के अंदर सारे आ रहे हैं वो अपने हैं वो बेगाने हैं वो मुस्लिम हैं वो गैर मुस्लिम हैं वो सिख है वो ईसाई है वो हिंदू है उसके दर से कोई भी खाली दामन नहीं जा रहा कोई भी कहीं दामन नहीं जा रहा। जो भी आ रहा है दामनों को भर भर के जा रहा है। उनसे पूछा या गरीब नवाज ए मोइनुद्दीन ए चिश्ती अजमेरी ये बता ये दर ये मकाम ये इज्जत ये शान तुझे कैसे मिली। तो गरीब नवाज ने मेरे दामन में जो मोती डाले मैं आज आपके दामनों में डाल रहा हूँ। सुनो हाजत साहब कहते हैं ये निगाह में तस्वीर ये आवाज में मेरी दर्द ये मेरा मकाम ये इज्जत ये शान ये तमाम का तमाम घर तुझे मिला। तो फरमा दे मनम खाके नमाज़े इश्क़
भैया जाति वाली ध्यान मांगती तो उत्तर देता हूं। नहारे इश्क हर दम मी उतारे, मैं हर वक्त नमाज इश्क अदा कर रहा हूं और मेरा किबला कौन है? फरमाते हैं रुखे मुस्तफा मेरा किबला है, रुखे मुस्तफा मेरा किबला है। इश्क की नमाज में हर दम अदा कर रहा हूं, नमाज इश्क हर दम मी उतारे बपेशे किबला है तू है मुहम्मद। फिर फरमाया समाना बन बताओ आज की है तो सब खाली से नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिल सकता।
گرامی حضور سیدی و سندی شیخ طریقت مولانا امام عاشقہ امام عشق و محبت استاد الاساتذہ علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اس عاشق کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ اس عاشق کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس عاشق کے صدقے جو اس پر رحمتیں نازل کر رہا ہے وہ قدرے ہمیں بھی عطا فرمائے، جس نے نئے موت کی زمین پر آئے بدعقیدگیت کو ختم کر کے، وہاں پر گستاخیوں کو ختم کر کے عشق رسول کے جھنڈے گاڑے، میلاد رسول کے جلوس جاری کیے، جس دن ان کا وصال ہوا کراچی سے جب آپ کا جسم مبارک لایا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے نگاہیں آدمی کو زندہ ہے جب اس کا جسم اطہر ریت سے باہر نکلا، اللہ نے رحمت کی برسات چھوڑا۔ دنیا کہتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن جسم گیلے نہیں ہو رہے، وہ بارش ایک عاشق کے جنازے پر رب کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ اور میرے ساتھیوں کو دین دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ جاتے دسوں برکت کو مانے۔